कोरोना वायरस को लेकर चीन की महिला वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेगियान ने किया बड़ा खुलासा। कहा कोरोना वायरस को वुहान की लैब में बनाया गया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कोरोना पॉजिटिव, पीजीआई लखनऊ में भर्ती। पूर्व मंत्री और समाजवादी नेता अरविंद सिंह को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद खुद को किया होम आइसोलेट। योगी सरकार ने फिर किया 10 आईपीएस अफसरों का तबादला, 7 जिलों के कप्तान भी बदले। बदायूं के सहजवान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा कर 8 अभियुक्तों को किया रंगे हाथों गिरफ्तार। रामपुर के शाहबाद में आम आदमी पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाना किया शुरू, बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की ज्वाइन। चंदौसी जीआरपी ने पकड़ा गैंगस्टर आरोपी, ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर देता था वारदात को अंजाम। रामपुर के स्वार टांडा विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, बसपा प्रत्याशी सफीक अहमद अंसारी ने अपने निवास की बैठक, गांव गांव जाकर कार्यकर्ताओं से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील। बहुजन समाजवादी पार्टी के स्वार प्रत्याशी शफीक अहमद के साथ देने के लिए जिला सैनी समाज के लोगों ने भाजपा छोड़कर बहुजन समाजवादी पार्टी का थामा दामन। बदायूं के जिला अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर बड़ी संख्या में किया रक्तदान। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश में हल्ला बोल, कई जगह झड़प के बाद लाठीचार्ज, वाराणसी में पुलिस के डंडों से खूब पिटे सफाई। सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले यूपी में रक्षक बने भक्षक। अखिलेश यादव ने फिर भाजपा पर साधा निशाना, कहा किसानों की आजादी के जुमले का नाम देकर भाजपा बनाना चाहती है गुलाम। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में उठाया बॉलीवुड में फैले ड्रग्स नेक्सस का मुद्दा। रामपुर के टांडा नगर पालिका के अध्यक्ष महना जहां और उनके पति मकसूद लाला ने की केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात, क्षेत्र के विकास को लेकर बताए कई प्लान। संभल से स्थानांतरित उप जिलाधिकारी के दोबारा संभल में आने पर समाज सेवी संगठन ने बुके देकर किया जोरदार स्वागत। रामपुर में अखिल भारतीय पंचायत परिषद परिसर में युवाओं ने श्रमदान के साथ झाड़ियां साफ करके दिया जागरूकता का परिचय। रामपुर पुलिस को फिर मिली एक और कामयाबी, पुलिस ने अवैध शस्त्रों के साथ फैक्ट्री संचालक को दबोचा। मेरठ में अवैध शराब के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, आबकारी कार्यालय पर जमकर किया हंगामा। बलरामपुर जेल में बंद पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी की मुश्किलें और बढ़ी, 15 दिन में 5 नए मुकदमे दर्ज।